नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही चटपटी सी मूंगफली और नारियल की चटनी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसके लिए मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया और इसके छिलके निकाल लिए हैं, और 1 हरी मिर्च ली हुई है। तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हो। और थोड़ा सा मैंने ये कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लिया है, तो 2 बड़े चम्मच ये भी है। चाहे तो फ्रेश नारियल भी ले सकते हो, लेकिन सूखे नारियल से भी चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच के करीब मैंने जीरा लिया हुआ तड़के के लिए। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तड़के के लिए तेल है, और 1 छोटा कटोरी या 2 बड़े चम्मच दही लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं नारियल और मूंगफली की चटनी बनाना, जिसके लिए मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है और उसमें ये मूंगफली दाने डाल दूंगी और हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक और ये कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल है। और पीसने के लिए दही डाल रही हूँ। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हो तो पानी डाल सकते हो, या जरूरत के अनुसार थोड़ा पानी भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, नारियल और मूंगफली की चटनी पीस चुकी है और इसको मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं इसको तड़का लगाती हूँ। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया चटनी पीसी है। तो मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था दही डालने के बाद। थोड़ा चटनी को मैंने बाउल में निकाल लिया है और यहाँ पर मैंने तड़का पैन में तेल रख दिया है गर्म करने के लिए। तो तेल गर्म हो ही रहा है, तो मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। अगर आप व्रत में कड़ी पत्ता खाना पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो तड़का तैयार है और उसे चटनी पर डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे तड़के का फ्लेवर चटनी में पूरी तरह से आ जाए। तड़का लगाने से चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चटनी हमारी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मूंगफली और नारियल की चटनी बनके तैयार है खाने के लिए। और आपने देखा ये चटनी बनाना कितना आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, जिसे आप रोटी पराठे के साथ तो खा ही सकते हो, साथ ही आप इसे इडली डोसे के साथ भी खा सकते हो। तो आप भी इस आसान सी चटनी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें कि चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।